पड़ोस के जो गरीब बच्चे हैं या वीक स्टूडेंट्स हैं, अगर वो गरीब भी नहीं है तो आप उनको अपनी तालीम दीजिए, उनको पढ़ाइए, उनको लिखाइए। एक मिशन को आप ये कंटिन्यू करिए, क्योंकि एजुकेशन जो है आपका वर्क राइट है और फंडामेंटल राइट है। आज यहाँ हमारे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में काफ़ी बच्चे जो हैं, बच्चियाँ जमा हुए हैं और टॉपिक ये थी कि वुमेन्स एम्पावरमेंट, और उसके ऊपर बच्चे सुनना चाहते थे और ये अपनी कैसे हिफाजत करें वो भी उनको सुनना था। जो मैं उनको यही बताया कि हमारे वुमेन्स जो हैं ऑलरेडी एम्पावर्ड हैं, उनको एम्पावरमेंट की फर्दर ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चाहिए तो उनको जो है एकजहती और अपने आप का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको वो बरकरार रखें। जो उनका मिशन जो है होना चाहिए कि एजुकेशन इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। और मैं यही गुजारिश कर रहा था हमारे बच्चों से कि वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करें। जहाँ भी कोई झगड़ा होता है या उनको कोई छेड़ता है या उनसे कोई जो है गलत बयानी से काम लेता है तो अपनी आवाज़ बुलंद करें, वो पीछे ना हटें, क्योंकि उनकी ताकत वो खुद हैं, उनको किसी ताकत की ज़रूरत नहीं है। और हमारे हिंदुस्तान का जो क़ानून है उसमें भी जो है उनका तहफ़ है, और हमारा कानून शुरू होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वी द पीपल से, यानी जिसके माने ये हैं कि हम हिंदुस्तानियाँ, हिंदुस्तानी में जो है सारे मर्द औरत बच्चे बच्चियाँ सब आ चुके हैं। और रहा सवाल ये जो रात दिन हम जो केसेस देख रहे हैं बच्चियों के खिलाफ, वहाँ देखिए छोटे मासूम बच्चियाँ 2 साल के भी हैं, 6 साल के भी हैं, उनको भी ये लोग छोड़ते नहीं हैं। मगर जब तक हम अपने बच्चों को, अपने लोगों को इज्जत औरत की करना ना सिखाएं तो जब तक ये जुर्म चलते रहेंगे। औरत की अगर इज्जत करना कोई सीख गए तो वहाँ जुर्म ख़त्म हो जाएगा। और मैं ये भी रेकमेंड किया बच्चों को कि आप लोग जो है कोर्ट के प्रोसीजर से, ये दूसरे जो कम्बरसम मेथड्स हैं हमारे, उससे डर के पीछे मत हटिए, क्योंकि आप अपनी ताकत खुद हैं, आप अपना खुद काम करें और हिंदुस्तान को आगे लेके जाएं। क्योंकि हमारे पास हिंदुस्तान में यहाँ 78% वुमेन हैं, जिसको हम पार्लियामेंटेरियंस जो है आप खुद देख रहे होंगे कि 30% वुमेन्स कोटा हम फिक्स करते बोल रहे हैं, मगर कोई भी पार्लियामेंटेरियन, चाहे वो आप मर्द हो या कोई प्राइम मिनिस्टर हो या स्पीकर हो, ये आगे बढ़ के उनके लेडीज़ का जो कोटा है उसको फिक्स करने तैयार नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमको अपनी जंग खुद लड़ना है, हमको पीछे नहीं हटना है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है बच्चों से, जो कल के हमारे जो हिंदुस्तान के पिलर्स हैं, इन्हीं के हाथों में बागडोर रहेगा, इन्हीं के हाथों में हुकूमत रहेगी। तो ये लोग हिम्मत से काम लें और आगे बढ़ें, अपनी आवाज़ को बुलंद करें। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, इसको समझ लें और इसके साथ आप लोग काम करें। अवाम के वास्ते क्या मैसेज है? अवाम के वास्ते मैसेज ये है कि भाई जो पॉलिटिशियंस आपकी खिदमत करने के वास्ते करोड़ों रुपये खर्चा करके आ रहे हैं, वो आपके लिए कोई काम नहीं करेंगे। आप ये देखिए कि एक मजदूर जो हम डेली लेबर, डेली वेजेस पे एंगेज करते हैं, वो लेबर भी जो है अगर आप झिड़की देते हैं, उसको गुस्सा करते हैं तो काम छोड़ के ठहर जाएगा। ये आपके जो लीडर्स हैं कॉरपोरेटर से लेके जो है प्राइम मिनिस्टर तक, ये लोग जो करोड़ ऑफ रुपीस इन्वेस्ट करके अपने इलेक्शंस लड़ रहे हैं, ये लोग आपसे क्या करेंगे? ये लोग
तो हमको अपनी लड़ाई लड़ना है। और आज जो भी हम देखे हैं, जितने भी केसेस हम देखे हैं, जहाँ पे पब्लिक ओपिनियन और पब्लिक जो है एक हो जाती है, तो वहाँ लीडर भी झुक जाते हैं और सारे काम